بسم الله الرحمن الرحيم. अच्छा ये हमारे एक और दोस्त है, चंद दिन पहले उन्होंने मुझे बताया, कह रहे कि मैंने भी अपने गांव में, वो इमाम साहब हैं, इमाम साहब, उन्होंने कहा मैंने भी शुरू किया. मैंने कहा आपने कैसे किया? कह रहा लगे तो मैंने 7 साल ने, लेकिन मैं कामयाब हो गया हूं. क्या कहता जी? 2 काम मैंने किए. शादी पर जो ढोल बजाएगा 1,00,000 रुपया जुर्माना भरेगा. आवाज कमजोरों वाली याद हो रहा, 1,00,000 रुपया जुर्माना. और ये जुर्माना किधर जाएगा? सीधा मस्जिद के बीच, ठीक है. और जो फौतकियों पर खाना बनाएगा, चूंकि खाना बनाने की इजाजत ही नहीं है, जो बनाएगा तो फरमाया उसके लिए कहता 50,000 रुपया जुर्माना. और किधर जाएगा? मस्जिद पे जाएगा. और कहते एक सी थोड़ा जहा ज्यादा पैसा आ गया तो मुंडा दुबई नहीं था सी, तो थोड़ा जहा आ गया जोश, उन्हें आख्या ना कर चंगा रहेगा. वो कर बैठा साइया ले लिया 1,00,000 रुपया. हूं आख्या कट इधर, ये मस्जिद नु जाना को तेरे प्यो नु तो नहीं जाना, ये सवाब जाएगा, कट मस्जिद. उसके बाद सारा टल पै गई है. काश के यार हमारे मुआशरे में ऐसा हो जाए, समझ आ रही है. और ये सजीदा फिक्र लोग कर सकते हैं. हम तो 8वें दिन आते हैं, ये बात करें भी सही तो आप हमारी बात शायद ना ही माने.